शौक से नहीं बेचते थे मजबूरी से ये बोल रही थी क्या मतलब सब हम खुश हैं बकरी पालन से हड़िया दारू जब पहले बेचती थी ना तो उसमें जैसे पीने वाले जो आते थे लोग कभी गंदा भी बोल देते थे दीदी लोग के साथ और दारू पी के मतलब यहीं पे रहता था और उधार भी होता था उसमें तो वही दीदी बोल रही है अच्छा मतलब दिक्कत होता था है न लहा खोज तो स्थिति नौज आनती हैं

तीर धनुष में तीर धनुष में तीर धनुष में अच्छा हेमंत सोरेन को जानते हैं ना हाँ, जानते हाँ, है हैं हेमंत सोरेन को जानते हैं अच्छा, अच्छा। शिबू सोरेन को शिबू सोरेन को भी जानते हैं <स्वार्ण> अच्छा दारू बेचना अच्छा था कि बकरी पालन बकरी पालन अच्छा है क्या कह रही है दीदी बोल रही है मतलब मुख्यमंत्री को हम अपना दिल से बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि मतलब फोलो आशीर्वाद योजना जब निकाले हैं तो उसमें हम लोग को लाभ भी मिल रहा है तो अभी दीदी बोल रही है उसी से हम अभी बहुत खुश हैं चुनावी जनमन यात्रा में अब इस वक्त हम झारखंड की उपराजधानी दुमका में हैं। दुमका मुख्यालय से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर स्थित जामा प्रखंड है और इस जामा प्रखंड में एक पंचायत है मोहुल बना और इस मोहुल बना पंचायत में एक गांव है पलसिया या इस इलाके में जब आप आएंगे तो अब जब जनताओं से उनकी राय जानेंगे चुनावी राय जान लें या यहाँ के लोगों का पसंदीदा पार्टी समझ लें तो लोग यहाँ धनुष को बहुत पसंद करते यानी कि शिबू सोरेन को बहुत पसंद करते हैं यानी कि कह लें कि जे को बहुत पसंद करते हैं जब जाँच पड़ताल जब हमने किया कि भाई ऐसा क्या है जे में कि जे को लोग इतना इस इलाके में पसंद करते हैं तो हमने पाया कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन उन्होंने साल 2020 में फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की थी इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को लाभ देना था जो महिलाएं हड़िया दारू का व्यापार करती थी हड़िया दारू के व्यापार से अलग करने के लिए मतलब उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने यह योजना निकाली थी इसके तहत महिलाओं को शुरुआत में दस हज़ार रुपये दिया जाता था उसके बाद साल भर के अंदर यह पैसा रिटर्न करने के बाद पच्चीस हज़ार रुपये दिया जाता था फिलहाल हम पलसिया गांव में एक पर परिवार की यहाँ है और इस परिवार की जो महिला है वो चार बच्चों की माँ है पति नहीं है और यह महिला जो है तीन चार सालों से हरिया दारू का व्यापार करती थी बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रही थी लेकिन देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से या फूलों झानो आशीर्वाद योजना इनको मिला और देखिए घर की परिस्थिति कैसे बदल गए फिलहाल आइए उस महिला से हम बातचीत करते हैं फिलहाल उस महिला का यह घर है हम नाम उन्हीं से जानना चाहेंगे इसलिए आपको हम नाम नहीं बता रहे हैं और आप जब इनके आंगन में आएंगे ना तो आपको यहाँ बकरियाँ बहुत सारी मिलेंगी मतलब यह पूरा जो इलाका है कभी हरिया दारू बेचने वालों पीने वालों के साथ भरा हुआ करता था लेकिन आज यहाँ पर आपको बकरी ही बकरी नजर आएगी फिलहाल कहाँ से आई ये बकरी इनसे हम पूछते हैं जोहार दीदी जोहार फिलहाल हमारे साथ एक दीदी हैं इनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो इलाका है पलसिया गांव या फिर जामा का जो इलाका है या आ, संथालियों का इलाका है संथाली भाषा यहाँ ज़्यादा बोली जाती है दीदी समझती है हिंदी लेकिन स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाती है तो दीदी हमारी मदद करेंगे दीदी आपका क्या नाम हुआ सभी को जो है मेरा नाम है सुनीता मुर्मू और मैं पलसिया के रहने वाली हूँ अच्छा आपका क्या नाम हुआ दीदी फोलमनी मुर्मू फूल मनी मुर्मू तो फूल मनी दीदी पहले हड़िया दारू का व्यापार करती थी लेकिन फूलों झानो आशीर्वाद के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई है कैसी ज़िंदगी बदली है इन्हीं से जानते हैं पहले आप क्या करते थे दीदी हड़िया दारू बेचते थे कितना साल से दीदी दो साल से दो साल से दो साल से मतलब ये लाभ मिलने से दो साल पहले से पहले दो साल पहले से हु मतलब समूह में नहीं, नहीं थे। जोड़ के थे। इसके बाद पहले से ही लोग बेच रही थे जब समूह में जोड़ी तो इसमें जैसे हम लोग का दस रुपया करके बचत होता है साप्ताहिक बचत तो उसमें हम लोग बचत करते हैं लेन देन भी करते हैं जैसे दीदी लोग उसमें कर्जे भी ले सकती है उसमें हम लोग का बचत बक्सा में हम लोग पैसा रखते हैं तो वही उसी से हम लोग कर्जा भी लेते हैं और जब फूलो जानो में हम लोग का सर्वे हुआ इसके बाद इस दीदी का नाम आया नाम आया इसके बाद इसको मिला फर्स्ट में दस हजार रुपया तो अभी छः महीना हुआ है तो इसके बाद लौटाएगी इसके बाद फिर मिलेगा उसको दीदी को अच्छा कैसे आप लोगों को पता चला जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, है उन्होंने या जो योजना निकाली थी फूलो जानो आशीर्वाद योजना आपके पंचायत में कैसे खबर हुआ जैसे हम लोग जेस एल पी एस के थ्रू हम लोग को पता चला है जो हम लोग का सी सी है वही हम लोग को हैंडल करती है तो वही हम लोग को बताई है एक दिन में दीदी दी जब आप हड़िया दारू बेचते थे तो एक दिन में कितना कमाते थे एक सौ रुपया एक सौ रुपया अच्छा आप दारू बेचते थे कि हड़िया बेचते थे दारू बेचते थे दारू बेचते थे तो अपने से बनाते थे कि खरीदते थे अपने से बनाते थे अपने से तब तो महुआ खरीदने में गुड़ खरीदने में आपको उसमें भी पैसा लगाना पड़ता होगा हाँ। तो कितना बच जाता था दीदी चार चार बच्चों को पालना कुछ नहीं बचता था नहीं बचता था नहीं हम्म और जो पीने वाले लोग आते थे वो परेशान करते थे हाँ। पीने वाले लोग तो करते हाँ। परेशान परेशान करते थे और

ਉਨਾ ਇਇਰੈਂ ਜੁੜਾਉ ਕਨ ਨੀ ਤੋ ਦ ਉਨਾ ਗੁਰੂ ਪਰ ਜੁੜਾਉ ਕਤੇ ਇਇਰੈਂ ਕਮੀ ਦਾ ਡਕਿਆ ਜੋ ਜੁ ਡਕਿਆ ਉਜinare ਉਨਾਰੇ ਚਲਾ ਕਨ ਇਇਰੇ ਮਹਨਰੇ ਤੋ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਇਨਤੇ ਹੋਇ ਕਨ ਤਾਲਿਆ ਨੀ ਤੋ ਜਤੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੋਜ ਕੀ ਚਲਾ ਕਨ ਤਾਲਿਆ डाकिया योजना बता तो रही है योजना जैसे पहाड़िया को जो मिलता है, मिलता है ना तो घर घर उसको पहुंचाना पड़ता है तो हम लोग वहाँ पे पैकेजिंग करते हैं पैकेजिंग और गाड़ी से वहाँ उन लोग को हैं। हाँ हम्म अच्छा काम करती है अच्छा उसमें काम करती है अच्छा, अच्छा ये बात बताइए कि जो दस हजार रुपया मिला पहले क्या किए आप बकरी लिए बकरी लिए बकरी लिए कितना गो लिए तीन गो तीन गो मतलब बच्चा लिए बड़ा लिए कि गाभिन वाला जो बच्चा देने नहीं वाली नहीं। रहती है वैसे वाले को लिए गाभिन गाभिन वाला लिए वाला गाला अब तो दस हजार में तीन गो खरीदे आप है ना अभी तो और कोई पैसा नहीं लिए हैं नहीं दस हजार है अच्छा ये बात बताइए की कि कितना महीना हुआ पैसा लिया हुआ दस हजार छ महीना छ महीना छ महीना तो तीन दस हजार में तीन बकरियां आपने खरीदी अभी कितने बकरियां हैं सात गो बकरी है हाँ, तीन से सात हो गया छ महीना छ महीना में अभी छोटा भी है बड़ा भी है और दो गो पट्टा तो दीदी बेच दी बेच भी दी हाँ। हाँ। अच्छा कितना कमाए दीदी दो बेचे तो नौ हजार <laughs> <नो हजर। laughs> <laughs> <पड़े दो हुआ। laughs> मतलब सरकार ने जितना दिया था उतना कमा भी लिए है नौ हजार रुपया हा बेच तो बेच दिए हम्म अच्छा दारू बेचना अच्छा था कि बकरी पालन बकरी पालन अच्छा है बकरी पालन अच्छा है <laughs> आप संथाली में बताइए किसमें ज्यादा खुश हैं दारू बेच के खुश हैं कि बकरी पाल कर खुश हैं बकरी पाल कर खुश है, कर खुश है। क्या अलग लग रहा है अच्छा लगा

बीच दिया फुलो जहर फूलो जरूर पैसा हत्या तो कर तो 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 बगी hmm. <laughs> ये, ये मुस्कान बता रही है कि ये जो फूलों झालों आशीर्वाद योजना है उनसे दीदी कितनी ज़्यादा खुश हैं क्या hmm. कह रही थी अभी दीदी ये बोल रही थी क्या मतलब सब हम खुश हैं बकरी पालन से हड़िया दारू जब पहले बेचती थी ना तो उसमें जैसे पीने वाले जो आते थे लोग कभी गंदा भी बोल देते थे दीदी लोग के साथ और दारू पे के मतलब यहीं पे रहता था और उधार भी होता था उसमें तो वही दीदी बोल रही है अच्छा मतलब दिक्कत होता था दे 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 है ना बकरी कहाँ रखते हैं दीदी बकरी घर चलिए दिखाइए बकरी घर कितना बड़ा बकरी घर है देखिए दस हज़ार की सहायता से इन्होंने तीन बकरियाँ खरीदी और तीन बकरियाँ देखिए सात हो गई है छः महीने में और ये देखिए ये बकरी गोहाल हम लोग बोल रहे हैं ना गोहाल घर है गोहाल घर है और यहाँ वो सातों बकरियाँ यहीं रहती हैं सातों बकरियाँ यहीं रहते हैं क्या जीवन में छः महीना में क्या बदलाव आया है दीदी -दी? कैसे अलग लग रहा है जिंदगी अब संथाली में भी बोल सकते हैं <laughs> पहले से अभी स्थिति ठीक है लहा दो स्थिति तो दो बोले तो दो की नहीं क्यों दा जत्तोगी जो चलाती है अर मज गह ग कस्तुरबार पढ़ाती जो गुक पढ़ाती मजगी और पढ़ा चुक मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रही है, है ना? भाई दो तीन दिनों से हम लोग इलाके में है तो थोड़ी बहुत संथाली समझ पा रहे हैं फिलहाल देखिए हम बकरियां आपको दिखाना चाहेंगे इनके आंगन में देखिए जैसे शुरू में ही मैंने कहा था कि इनके आंगन में जब आप आएंगे ना तो सब तरफ आपको बकरियां मिलेंगी हर साइज़ की ये छोटा बच्चा लग रहा अभी अभी मतलब कुछ महीने कुछ महीनों का है और दीदी बहुत मेहनत से प्यार दुलार से इनको रखती है बच्चों की तरह वो बाकायदा हमने अपनी आँख से देखा है टहनियाँ तोड़ना उनको प्यार से घर ले आना ये दीदी अपना काम करती हैं चुनाव है दीदी आपको पता है ना पता है अच्छा आप लोग किसको यहाँ वोट देते हैं कौन छाप में वोट देते हैं धनुस्वें। तीर धनुष में तीर धनुष में तीर धनुष में अच्छा हेमंत सोरेन को जानते हैं ना हाँ, जानते हैं हेमंत सोरेन को जानते हैं अच्छा शिबू सोरेन को शिबू सोरेन को भी जानते हैं अच्छा <laughs> तो हेमंत सोरेन कौन थे हम लोग के मुखिया मंत्री पहले मुख्या मंत्री थे है ना अभी तो नहीं है, नहीं है तो नहीं। उनको क्या बोलना चाहिएगा उनकी एक पहल ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी पूरे अच्छे हैं अभी आप संथाली में बोल सकते हैं निते जो भी मंत्री हको बदल ना और इन दो बोले नुक को असूल को खा मज़गी तेन क्या कह रही है दीदी बोल रही है मतलब मुख्यमंत्री को हम अपना दिल से बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि मतलब फोलो जन आशीर्वाद योजना जब निकाले हैं तो उसमें हम लोग को लाभ भी मिल रहा है तो अभी दीदी बोल रही है उसी से हम अभी बहुत खुश हैं और मतलब अच्छा से चलाएंगे और हम लोग समूह में जुड़ के मतलब अभी अच्छा स्थिति भी अच्छा चल रहा है चलिए बहुत बढ़िया आप तो दीदी समझ रही हैं चीज़ों को है ना दस हज़ार से किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है जो महिलाएं हर हरिया दारू बेच के कोई शौक से तो नहीं बेचती नहीं, क्या नहीं। लगता है शौक से शौक बेचती से हैं शौक से नहीं बेचते मजबूरी मजबूरी से हुं। 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 तो मजबूरी से बेचती हैं जो शराबी आते हैं उनको झेलना पड़ता है उनकी बदतमीजियाँ झेलनी होती है गालियाँ झेलनी होती हैं पैसा उधार रह जाता है निकाल नहीं पाती हैं और बहुत सारी चीज़ें इनको झेलनी पड़ती है और देखिए राज्य में अब तक के जो मुख्यमंत्री बने हैं उनमें हेमंत सोरेन ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हड़िया बेचने वालों के लिए कुछ सोचा और दस हज़ार ही सही लेकिन दस हज़ार का फ़ायदा देखिए किसी की जिंदगी बदल सकता है विपक्षियों को ज़रूर ये लगेगा कि दस हज़ार से क्या ही किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी लेकिन देखिए यहाँ पर बदली है ज़िंदगी जो हम आपको दिखा रहे हैं है ना दीदी दस बहुत छोटा लगता लेकिन बदल है लेकिन जिंदगी बदली है छोटा नहीं है दस हज़ार मतलब उसमें जैसे दस हजार में तीन बकरी दीदी खरीदी उसमें मतलब तीन बकरी में से उसका छह बकरी तो मतलब हो गया बढ़ के फिर दो बकरी बेच दी नौ हजार हाँ। तो क्या काम करती है दीदी वही उसमें बोरा वाला काम करने जाती है वाला में डकिया योजना में अभी काम कर रही है दीदी और यही देखभाल करती है बकरी पालन वही सब हम्म उसमें कितना कमाई हो जाता है डकिया वाला में दीदी उसमें लगभग दिन में तीन से चार चार सौ रुपया हो जाता है अच्छा मतलब दारू बेच के पहले सिर्फ एक सौ रुपया कमाई होता था अभी उधर भी कमा रही है डाकिया योजना में अभी बकरी पालन बकरी से पालन भी। हाँ है ना? हाँ तो उसमें तीन से चार सौ रुपया हो जाता है और इधर बकरी पालन तो अभी मतलब यही अच्छा है दारू से अच्छा बकरी पालन है वही बोल तो कौन दारू से अच्छा कौन है बकरी पालन हम्म हुआ मुर्गी हुआ सुअर हुआ वही सब ये सारा योजना मिलता है मिलता है चलिए तो फिलहाल क्या नाम बताए थे दीदी फोलमनी मुर्मू फूल फूल मनी मुर्मू जी के घर में अभी हम हैं और देखिए दस हज़ार ने कैसी एक दारू बेचने वाली महिला की जिंदगी बदल कर रख दी डाकिया योजना से जुड़ के जहाँ मात्र एक सौ रुपया हड़िया दारू बेच के आता था आज उधर से तीन चार सौ रुपया कमाती है और बकरियों से लगातार पैसा कमा ही रही है दो बकरियाँ बेची हैं नौ हज़ार कमाया है इन्होंने और अभी भी सात बकरियाँ इनके आंगन में खेल रही हैं तो फिलहाल आप समझिए कि हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत सारी योजनाएं जो लेके आई थी यानी कि जम सरकार ने जो योजनाएं लेके आई थी संथाल के लोग पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं और उस फायदे से इनकी जिंदगियां बदल रही हैं फिलहाल एक उदाहरण हम यहाँ चुनावी यात्रा में है तो ऐसी कहानी हमें मिली तो हमें लगा आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है ऐसी कहानियां क्योंकि जो महिलाएं अब भी हरिया दारू बेच रही हैं वो सीखें कि सरकार ने आपके लिए इस तरह की योजना निकाली है और आप उस जिंदगी से निकल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं एक सम्मान भरा पूरा जिंदगी आपका इंतज़ार कर रहा है फूलों झानो योजना से जुड़कर आप अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक ले सकते एक अच्छी ज़िंदगी एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी सकते हैं फिलहाल हम इस पल्सिया गांव में है चुनावी यात्रा के दौरान हमें ये फुलमनी दीदी मिली हैं और बहुत सीधी हैं सरल हैं और जैसे अपने बच्चों को रखती है ये बकरियाँ भी इनके लिए बच्चे की तरह बहुत प्यार से आप उनको ला रहे थे दीदी बहुत प्यार से रखते हैं बहुत प्यार से रखते हैं गोदी कर, कर कर के ला रहे थे आप गोदी कर कर ला रहे ऐसे गोदी करके घुमाते रहते हैं गोदी को लाते हैं रखते हैं चलिए तो फिलहाल हम इस पलसिया गांव में हैं इसी तरह के कुछ और सराहनीय काम अगर सरकार के दिखे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूर एक बार आपको चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्या लाभ मिल रहा है क्या लाभ नहीं मिल रहा है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है फिलहाल हम इस गाँव में हैं इस गाँव से निकल देखते हैं दूसरे पंचायतों का क्या हाल है फ़िलहाल पलसिया गाँव से लेते हैं इजाज़त अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा